वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स। आज से हम आपको बताइए कि ड्यू टू द कोविड आप लोगों को फिर से दोबारा से ऑफ कर दिया गया है, तो उसके बाद से फिर आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर दिया गया है आज से। तो लेक्चर जिस तरह आपके लेक्चर वीडियोज के थ्रू जाते थे, बिल्कुल इस तरीके से अब दोबारा से वीडियो के थ्रू आपको लेक्चर जो है वो सेंड किया जाएगा। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग साइंस का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आप लोगों की फिजिकल क्लासेस हो रही थी, तो फिजिकल क्लासेस में आप लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर को हम आगे जिस टॉपिक पर आप लोगों ने ख़त्म किया था, उस टॉपिक के बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना था वो मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाऊंगी। तो चैप्टर आप लोगों का जो 2 था, जिसका टाइटल था लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लेक्चर है आज का है वो आपका 1। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो टॉपिक है वो आज है आप पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, यानी इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले तो आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ किसको जाता है। रेस्पिरेशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम निकला है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जानदार जो है जितने भी लिविंग बींग्स हैं एंटायरली वर्ल्ड में वो सांस लेते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, सांस लेने का जो अमल है, वो रेस्पिरेशन कहलाता है। तो अगर इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देखी जाए रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन की जो इसे साइंटिफिक डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल जो एनर्जी जो होती है, आउटर एनर्जी जो होती है, वो केमिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होता है। यानी कि इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि जानदार जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन को गेन करने के बाद जब ऑक्सीजन बॉडी में एंटर होती है तो वो किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ में वो रिएक्ट कर जाती है। जैसे लाइक C6H12O6 जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होता है, ये ग्लूकोज कहलाता है। तो ऑक्सीजन जो है जो ब्लड में जाएगी, डेफिनेटली वो ब्लड में उस ग्लूकोज का हिस्सा बनेगी, उसके साथ वो रिएक्ट करेगी, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो और वो फूड मटेरियल को जो है ऑक्सीडाइज करता है, जिसकी मदद से हमारे जिस्म में जो है जानदारों के जिस्म में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी तो वो ऑक्सीडाइज कर जाती है, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये जो सांस लेने का जो प्रोसेस है ये बाकायदा पर्टिकुलरली चल रहा होता है। ठीक है, तो अब इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी मैं क्लास आप स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो इसके लिए आइए हम बुक को देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखें, अगर आप बुक में देखेंगे तो पेज नंबर 12 पे, तो आपको यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ दिखाई देगा। देखिए, जब हम कोई भी इंसान सांस लेता है तो वो नाक के जरिए शुरू होता है ये प्रोसेस। नाक के जरिए या नोज़ के जरिए हवा जो है वो दाखिल होती है हमारे लंग्स तक। ठीक है, जो हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स लिखा हुआ है, ये खून की नालियाँ होती हैं। यहाँ पर एयर आकर स्टोर होती है। जो एयर आप नाक के जरिए लेते हैं, यहाँ पर इन ब्रोंक्यूल्स में या जो नालियाँ हैं खून की, इनमें आकर स्टोर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता ये है कि जब सांस लेने के दौरान, क्योंकि हम हवा के साथ ऑक्सीजन भी अंदर लेते हैं, जब हवा के जरिए ऑक्सीजन एंटर होती है फेफड़ों में,